हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन जून 2024 के इक्वेशन के चार क्वेश्चन। हर साल कहीं ना कहीं 4 से 5 मार्क के लिए इक्वेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर साल सेम होते रहता, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे और उसके साथ साथ उसके जुड़े हुए ट्रिक्स को भी देखेंगे, ठीक है? तो एंड तक मेरे साथ बने रहे, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है। पहला क्वेश्चन है अबाउट द क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, द इक्वेशन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0 है, हैज 3 रियल रूट्स एंड दे आर। क्यूबिक इक्वेशन और उसके रूट्स के बारे में पूछा गया। हर साल यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी पैटर्न का, नंबर बदल रहा है उन लोग। यहां पर क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स डायरेक्टली निकालने का कोई तरीका नहीं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर ध्यान दो। क्यूबिक इक्वेशन दिखते कैसे हैं? तो लुक लाइक ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। कोई भी क्यूबिक इक्वेशन हो ऐसा ही दिखना है। अब इस इक्वेशन के रूट्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट उनके जो रूट्स होंगे उनका सम निकालने का फॉर्मूला होता है। सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो सम ढूंढने के लिए आपको करना क्या है, तो आपके पास सेकंड जो नंबर होगा वो आपको लेना है, उसकी साइन बदल देना। अगर यहां पर प्लस भी लिखा है तो आप माइनस भी लिख दो, उसकी साइन बदल दो और उसको डिवाइड कर दो विद द फर्स्ट नंबर माइनस बी बाई ए। उसी तरीके से अगर आपको उन रूट्स का प्रोडक्ट सोचना है तो उनके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, जो लास्ट में नंबर है सेम करो उसके साथ। लास्ट में यहां पर नंबर डी है, कांस्टेंट टर्म, आपको क्या करना है, तो उसकी साइन बदल देनी है एंड यू हैव टू डिवाइड इट विद दिस ए अगेन। तो सिर्फ क्यूबिक इक्वेशन के लिए सम एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला माइनस डी बाई ए। तो क्या होगा कि जो भी रूट्स होंगे उनका सम माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, जो भी रूट्स होंगे उनका प्रोडक्ट माइनस डी बाई ए के बराबर होगा। तो मानो कि अगर ये क्वेश्चन मैं एग्जाम में देखता हूं, तो मैं जैसे इस क्वेश्चन को देखता हूं, मैं यहां पर देखता हूं कि यहां पर माइनस 3 है, मेरे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि सम के लिए इसकी साइन बदलनी है। माइनस 3 का मैं 3 लिख दूंगा, सोच लूंगा, लिखूंगा नहीं। फिर उसके बाद आगे 1 दिख रहा है तो मैं और थोड़ा खुश हो गया, बिकॉज माइनस 3 बाई 1 तो क्या होता है, वो तो सिर्फ 3 होता है, राइट? तो मेरे दिमाग में आ गया जो भी आंसर होगा उसका सम 3 होने वाला है, ठीक है? तो मैं देखता हूं कि पहला वाला, अगर ऑप्शन ए को देखूं तो ये माइनस 2 प्लस 2 उड़ गया, 3 बचा। यस, दिस कैन बी द आंसर। इसको अगर मैं देखूंगा तो ये 3 ऐड करने पे नहीं दे रहा है, ये माइनस 1 दे रहा है, तो ये गलत है। ये 1 दे रहा है, इनको ऐड करोगे तो आपको 1 मिलेगा, इसलिए वो भी गलत है। इनको ऐड करोगे तो आपको माइनस 3 मिलेगा, इसलिए ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन ए टिक कर लेना था। आराम से मैं कहूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, समझ लिया, तो 20-30 सेकंड ज्यादा से ज्यादा लगता है इस प्रॉब्लम के अंदर, उससे ज्यादा भी। ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? अगर मानो कि मेरा 1-2 ऑप्शन लगते जहां पर सम सही है, तो फिर मैं प्रोडक्ट सोचता। प्रोडक्ट के लिए मैं क्या बोलता कि प्रोडक्ट देखो क्या है, तो यहां पर लास्ट में नंबर प्लस 12 लिखा है, तो प्रोडक्ट होता माइनस 12 डिवाइड बाई 1 विच इज माइनस 12। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मेरा ऑप्शन ए उसको भी सेटिस्फाई करेगा, माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि वो माइनस 12 भी होता। जो भी आंसर होगा उसको दोनों सेटिस्फाई करना था। एग्जाम होता तो सिर्फ मैं सम से एक ही आंसर बन रहा है, इसलिए उसको टिक करके आगे बढ़ जाता, राइट? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। अगर नेक्स्ट टाइम पूछा जाए तो आपको 1 मार्क्स मेरे लिए लेके आना है, ठीक है? चलो आगे बढ़ता। क्वेश्चन नंबर 2 जो उन्होंने यहां पर पूछा था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन था जो मैं कहूं कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से बना था, ये डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला भी स्टूडेंट याद रख सकते हैं क्या? अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास एक इक्वेशन ले लेता हूं, मैं इक्वेशन ये ले लेता हूं कि मैं करता हूं क्या बता है? मैं इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर देता हूं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं, क्वेश्चन ये वाला, बिकॉज यहां पर मैं आपको एक ट्रिक दूंगा जो ट्रिक आप आगे लगा सकते हो। यहां पर अगर मानो कि ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिली क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, ये पूछा द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर व्हाट, राइट? यहां पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक देने वाला हूं, तो ध्यान से देखेंगे। यहां पर आपको इसके रूट्स निकालना। मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो है ना स्कूल अप्रोच से रूट निकालते हैं, जो बहुत गलत है। आपको करना क्या चाहिए, अगर आपको ये इक्वेशन दिख रहा है तो आपको ये करना चाहिए कि भाई
एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन है। इसकी अगर आपको रूट्स निकालने, देखो एक तरीका क्या होता कि मैं आपको यहां पर यह बोल देता कि बेटा सम और प्रोडक्ट देख लो, जो बैठ रहा है वो सही है, बाकी सब कुछ गलत है। बट मैं चाहता हूं कि अपने स्टूडेंट इजीली रूट्स निकाल ले जो आगे आने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम में आप यूज कर पाओगे, राइट? तो हम आपको देने वाले हैं एक ऐसा ट्रिक जिससे आप रूट जल्दी निकाल सकते हो। रूट निकालने का तरीका क्या आता है, तो आपको पहले क्या करना है, तो फर्स्ट जो नंबर है वो लास्ट जो नंबर है वो उनको मल्टीप्लाई करो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो होगा प्लस टेन। उनके दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि आपको बीच वाला नंबर मिल जाए माइनस सेवन। सर इसमें क्या नया, ये तो हम स्कूल से देख रहे हैं। मैं बोला रुको ना बेटा, कुछ नया देंगे सर। यहां पर अगर आपके पास प्लस टेन है, यहां पर माइनस सेवन है, तो मैं बोलूंगा साइन कौन सी होगी। पहले तो प्लस आंसर कब आता है, जब दोनों में सेम साइन होगा। सेम साइन है, नीचे माइनस थी, इसलिए मैं दोनों को माइनस दे दूंगा। दोनों माइनस है, टेन का फैक्टर क्या होगा, फाइव टू सा। इस तरीके से आप लोग हर कोई स्कूल से फैक्टर बना रहे हो, ऐसे आप स्कूल से फैक्टर्स बना रहे हो। बट मैं बोलूंगा इसके बाद आप वो स्कूल का लेंथी मेथड करते थे, आपको वो मेथड नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे ही आप फैक्टर निकाल लेते हो उसके बाद अगर आपको रूट्स निकालने हैं वो भी डायरेक्टली, तो उसका तरीका होता है कि ये जो भी फैक्टर का नंबर आया आप उसकी साइन बदल दो। मतलब कि ये माइनस फाइव है ना, तो माइनस फाइव का साइन बदलोगे तो वो फाइव हो जाएगा, और उसके बाद आगे जो नंबर होता है उससे डिवाइड कर दो। तो माइनस फाइव का फाइव हो गया, फाइव डिवाइड बाई वन, दैट इज गोइंग टू बी फाइव। तो इसका रूट होने वाला है फाइव। दूसरा रूट के लिए सेम यूज करो, माइनस टू है तो पहले उसकी साइन बदल दो, माइनस का कर दो प्लस, तो टू, एंड वापस से वही आगे वाले नंबर से डिवाइड कर दो। जो स्टार्टिंग में नंबर होता है ना, ए जिसे कहते हैं, उससे डिवाइड कर देना। जैसे आप ऐसे डिवाइड कर ले तो आपको रूट मिल जाता है, इसके रूट है फाइव एंड टू, विच इज योर ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरीके से आप रूट्स यूज करते हुए, ये ट्रिक यूज करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस ट्रिक को आपको और डिटेल में देखना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बनाएं, मैं जरूर आपके लिए इसके लिए अच्छा वीडियो बना के दूंगा। बट अभी के लिए ये ट्रिक ये कहता है फैक्टर निकालो, साइन बदलो, डिवाइड बाय ए, आंसर आता है रूट का डायरेक्टली। अब ये जो मैंने आपको ट्रिक सिखाया, वो ट्रिक सिखाते हुए अब इस क्वेश्चन पे वापस आता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द इक्वेशन हैविंग रूट्स 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा इज व्हाट। सबसे पहली चीज कि मैं आपको डायरेक्टली बोल देता कि इसका आंसर क्या है, बट मैं कहूंगा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे अच्छे से उसको समझे। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आपको एक क्वेश्चन देता हूं। मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। चलो अभी हमने जो ट्रिक सीखा उसको यहां पर लगाते हैं। मैं बोलूंगा कि यहां पर इसके अंदर अगर मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं तो सबसे पहली चीज होती है मैं यहां पर वन लूंगा, यहां पर सिक्स है, ये वन और ये सिक्स, प्लस सिक्स के दो फैक्टर चाहिए टू गेट अप प्लस फाइव। मैं बोलूंगा कि सबसे पहले साइन दोनों का प्लस होगा, नंबर चलेगा थ्री टू। जैसे मुझे ये नंबर्स मिल जाते हैं मैं यहां पर आंसर लाने के लिए क्या करूंगा, तो आंसर लाने के लिए इसकी साइन बदल दूंगा, प्लस थ्री है तो माइनस थ्री एंड डिवाइड बाय वन, राइट? तो ये हो जाएगा माइनस थ्री, एक रूट आया माइनस थ्री। दूसरे के लिए माइनस टू, प्लस टू का माइनस टू एंड डिवाइड बाय वन, तो दूसरा रूट आया माइनस टू। इस इक्वेशन के दो रूट्स है माइनस थ्री एंड माइनस टू। उसी तरीके से अब मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर मैं आपसे ये कहूं इफ आई हैव 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने किया क्या बताया, मैंने सिर्फ फर्स्ट और लास्ट नंबर को चेंज कर दिया। मैंने सिर्फ फर्स्ट और लास्ट नंबर को चेंज किया, देखते हैं कि इससे रूट्स में क्या फर्क आता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, तो ये फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये प्लस सिक्स कि दो फैक्टर चाहिए टू गेट प्लस फाइव। मैं बोलू अब तो ये सब कुछ तो सेम दिख रहा है बाबा, बट थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा सबर करेंगे। अगर मैं बोलू कि इसके बाद क्या, तो यहां पर अब ये प्लस थ्री का माइनस थ्री, बट डिवाइड बाय ए करते हैं तो डिवाइड बाय दिस, डिवाइड बाय सिक्स, तो माइनस थ्री बाय सिक्स, माइनस थ्री बाय सिक्स जो होता है माइनस वन बाय टू। अब ये प्लस टू का क्या होगा, तो प्लस टू का माइनस टू और डिवाइड बाय द फर्स्ट नंबर सिक्स, तो इट इज माइनस टू बाई सिक्स जो होता है माइनस वन बाई थ्री। अगर आप यहां पर देखोगे तो हुआ क्या, मैंने जब फर्स्ट और लास्ट को बदल दिया उसके जो रूट्स थे, पहले माइनस थ्री माइनस टू थे, अब रूट हो गए
-1/2 -1/3 यानी कि रूट्स क्या हो गए, रूट्स दोनों हो गए रेसिप्रोकल। और ऐसा कब होता है, जब कभी भी आप फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को चेंज करते हैं, अंदर इंटरचेंज कर देते हैं, राइट। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट था जो उन्होंने पूछ लिया डायरेक्टली, जिसकी एक्सपेक्टेशन होती है शायद कि पूछ लेंगे कभी बार, तो उन्होंने इस बार डायरेक्टली एज अ रूल को ही पूछ लिया कि क्या कि 1/α 1/β किसका रूट होगा। तो होता क्या है, तो आपको ए और सी को बदल देना है जो आपको यहां पर दिखेगा। देखो ए की जगह पे सी लिख दिया, सी की जगह पे ए लिख दिया, तो ऑप्शन बी इसका सही था। एग्जाम होता तो आप इतना सब कुछ टाइम पास नहीं करते। मैंने आपको रिजल्ट देना था, डायरेक्टली नहीं दिया, मैंने आपको एक प्रूफ एक एग्जाम्पल के साथ देने की कोशिश की। एग्जाम होगा तो अभी से आप याद रख लोगे कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट, 1/α 1/β रूट करने के लिए, रूट को दोनों को उल्टा करने के लिए ए और सी को इंटरचेंज करना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा रिजल्ट है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था हमें। अब आते हैं और एक क्वेश्चन के ऊपर, बहुत ही अच्छा आखिरी क्वेश्चन हमारा, जहां पर हमें उन्होंने कहा था कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड आउट 1/α + 1/β। एक चीज होती है कि स्टूडेंट क्या करता है यहां पर, सर चलो अभी आपने ट्रिक सीखा है, मैं क्या उसका यूज करते हुए अल्फा बीटा ढूंढ लूं। मैं बोलूंगा नहीं बेटा, क्यों, बिकॉज अल्फा बीटा रूट्स है जो आप निकाल भी सकते हो, बट मैं बोलूं निकालना मत, बिकॉज 1/α + 1/β थोड़ा स्पेशल है। क्यों, बिकॉज ये 1/α + 1/β को आप देखोगे तो आप यहां पर ये ऑब्जर्व करोगे कि इसको थोड़ा सॉल्व करने पर ये हो जाएगा, अगर आप इसको क्रॉस कर दो, चौकड़ी कर दो यहां, तो ये क्या हो जाएगा, ये चौकड़ी करने पर ये हो जाता है α + β/α β। और ये α + β जो होता है उसे हम लोग कहते हैं सम ऑफ द रूट्स, और ये α × β जो होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। और अगर आपको थोड़ा ख्याल हो तो आपको पता होना चाहिए कि x² + dx + c = 0 क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन है तो इसमें सम का फॉर्मूला होता है कि भाई सेकंड प्लेस पे जो है बी जो है उसकी साइन बदलो डिवाइडेड बाय ए जो स्टार्ट में है। सिमिलरली प्रोडक्ट का यहां पर फॉर्मूला होता है लास्ट में जो है वो उसको एज इट इज रखो, साइन सिर्फ यहां नहीं बदलना है, प्रोडक्ट में स्क्वायर वाले में साइन नहीं बदलना है, एंड डिवाइड इट विद ए, ठीक है। तो ये सिंपल सा रूल है जो क्वाड्रेटिक में लगता है। अगर एग्जाम होता तो मैं क्या करता, एग्जाम होता तो मैं ये देखता कि भाई यहां पर -8 दिख रहा है, सम ढूंढने के लिए मैं करता -8 का साइन बदलता तो 8 आगे 1 है, डिवाइड बाय 8 दैट इज गोइंग टू बी डिवाइड बाय 1 दैट इज 8, तो मुझे पता चल गया कि सम ऊपर नंबर 8 आएगा। फिर मैं प्रोडक्ट सोचता, मैं प्रोडक्ट को ऐसे देखता इक्वेशन को और मुझे दिखता कि लास्ट में +12 है, तो +12 डिवाइडेड बाय आगे तो 1 है तो +12/1 यानी कि +12, तो 8/12 दैट वाज 2/3 व्हिच वाज ऑप्शन ए, ठीक। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में करते हैं इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है, बट जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आप इस पे मास्टरी लाओगे तो आपकी स्पीड अच्छी खासी बढ़ सकती है। मैं कहता हूं कि सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाना चाहिए वो होना चाहिए इक्वेशन, बिकॉज माना कि 4 से 5 मार्क के लिए पूछा जाता है, बट इजी होता है टू अंडरस्टैंड, इजी होता है टू स्कोर लाइक टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। आई होप कि आपको ये चारों ट्रिक समझी होगी। अगर ट्रिक समझना डाउट हो रहा है, डिफिकल्टी हो रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड बी फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई होप आपको सबको समझा होगा, अगर समझा है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे नए नए वीडियोज के लिए, ठीक है जी। चलो जी, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।